मारियाना वेव इंटरनेट की दुनिया का वो पहलू है जिसे काफी लोग अनजाने। आप सरफेस वेव, डीप वेव के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जिस वेबसाइट्स को हम गूगल या किसी भी सर्च इंजन के जरिए खोलते हैं, जैसे फेसबुक, अमेजॉन, ये सरफेस वेव कहलाती हैं। डीप वेव में दरअसल किसी कंपनी का डेटा बेस हो सकता है और इसे एक्सेस करने के लिए हमें एड्रेस की जरूरत पड़ती है। बिना एड्रेस के हम डीप वेव एक्सेस नहीं कर सकते। डीप वेव के बाद भी एक प्रकार की वेव की बारी आती है, इसे हम मारियाना वेव कहते हैं। डीप वेव को तो आप एड्रेस के जरिए एक्सेस कर लोगे, लेकिन मारियाना वेव को आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब आपके पास खुद वो वेबसाइट हो या फिर उस वेबसाइट को एक्सेस करने की आपके पास हो। इसका नाम मारियाना कैसे पड़ा ये मैं बताता हूँ। मारियाना ट्रेंच एक समुद्री जगह है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गहरा है। इसी के नाम पर इस वेव का नाम मारियाना वेव पड़ा। मारियाना वेव पर आपको कई खुफिया जानकारी, कई रहस्यमय जानकारी का पता लग सकता है। इस वेव पर बड़े बड़े देशों की खुफिया जानकारी भी यहाँ से हासिल हो सकती है। आप अटलांटिस के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसे रहस्यमय देश भी कहा गया है। इसकी जानकारी भी इस वेव से मिल सकती है। और यह भी माना गया है कि यह वेव इल्यूमिनाटी का बेस है, तो इससे यह पता चलता है कि मारियाना वेव से ज्यादा खुफिया जगह इंटरनेट पर और कहीं नहीं है। अब बात आती है कि अगर यह वेब इतना ही ज्यादा खुफिया है तो सरकार इस पर कोई फैसला क्यों नहीं लेती। वो इसलिए क्योंकि इस वेब पर कई सारे देश के, मैं किसी भी देश का नाम नहीं लूंगा, खुफिया जानकारी इस वेब पर मौजूद है और कोई भी देश अपनी ही खुफिया जानकारी को टटोलना नहीं चाहेगा। इसलिए किसी भी देश की सरकार इस वेब पर किसी भी प्रकार का फैसला नहीं लेती है। अब बात आती है कि क्या हम मारियाना वेब एक्सेस कर सकते हैं? जी नहीं, हम मारियाना वेब एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इस वेब को एक्सेस करने के लिए की आवश्यकता होती है, जिसका मिलना मुश्किल है। अब बात आती है कि क्या इसे हैक किया जा सकता है? तो हमारा जवाब है जी नहीं, अभी इसे हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वेब को हैक करने के लिए हमें क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी बनी ही नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड एक नॉर्मल कंप्यूटर के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अगर अच्छे खासे कंप्यूटर बन गए तो सिर्फ 4 क्वांटम कंप्यूटर पूरे अमेरिका का कंप्यूटिंग नीड को पूरा कर देंगे। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंप्यूटर कितने शक्तिशाली होंगे। इस वेब के अंदर ऐसी जानकारी मौजूद है जो एक आम इंसान के किसी भी काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।